नमः संस्कृताय। BHU गोल्ड मेडलिस्ट सर्वज्ञ भूषण सर के निर्देशन में UP टेट संस्कृत के निशुल्क क्लास हेतु YouTube में संस्कृत गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें। संस्कृत गंगा दारागंज इलाहाबाद। नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा दारागंज प्रयाग से सर्वज्ञ भूषण आज शब्द रूपों की श्रृंखला लेकर मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, इसके पहले आपने दो वीडियो देखे हैं। एक अकारांत में राम शब्द का रूप आपने देखा है और दूसरा इकारांत पुल्लिंग में हरि शब्द को आपने देखा है। मित्रों, राम शब्द में आपने पढ़ा कि यदि हम अकारांत पुल्लिंग राम शब्द को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो हमें जितने भी संस्कृत वाङ्मय में, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जितने भी अकारांत पुल्लिंग होंगे, उन सभी के रूप राम की तरह चलेंगे। और मैंने आपको पढ़ा के दिखाया था, चाहे वो राम हो, चाहे बालक हो, चाहे श्याम हो, चाहे सुरेश हो, चाहे कामेश हो, रमेश हो, गणेश हो, जितने भी संस्कृत शास्त्र में अकारांत शब्द होंगे, वह शब्द राम की तरह रूप चलेगा। इसके बाद हम लोगों ने दूसरे वीडियो में आपने देखा होगा, हरि शब्द के रूप को आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा। हरि शब्द इकारांत है। हम लोगों ने पहली वीडियो में आपको अजंत और हलंत शब्द बताए थे, तो अजंत शब्दों की श्रृंखला में हम लोगों ने अकारांत को पढ़ लिया है और इकारांत में हरि शब्द को पढ़ा है। हरि शब्द की तरह ही आप देखेंगे कि जितने भी इकारांत होंगे, वो शब्द हरि की तरह रूप चलेंगे। जैसे हम लोगों ने कवि को पढ़ा, कपि को पढ़ा, ऋषि को पढ़ा, तो जितने भी इकारांत शब्द होंगे और पुल्लिंग होंगे, ध्यान में रखना, इकारांत हों और पुल्लिंग हों, वही शब्द हरि की तरह चलेंगे। आज हम इस वीडियो में आपसे उकारांत गुरु शब्द की चर्चा करेंगे और गुरु शब्द की ही तरह जितने भी उकारांत और पुल्लिंग होंगे, दोनों शब्दों को ध्यान से सुनना है, उकारांत भी हो और पुल्लिंग भी हो, क्योंकि आगे आप देख पाएंगे कि उकारांत में स्त्रीलिंग भी हैं और उकारांत में नपुंसक लिंग भी हैं। तो उकारांत पुल्लिंग की आज हम चर्चा करेंगे और उकारांत पुल्लिंग में हम आपसे गुरु शब्द की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार अब यदि आप आज आप गुरु शब्द को पढ़ लेंगे तो भानु का, विष्णु का, विधु का, जितने भी उकारांत शब्द होंगे, वो चाहे रिपु हो, गुरु हो, शिशु हो, तरु हो, भानु हो, साधु हो, बाहु हो, सारे उकारांत और पुल्लिंग शब्द गुरु की तरह चलेंगे। तो आइए मित्रों, बिना देर किए हम आपसे गुरु शब्द पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग शब्द रूपों को पढ़ते हैं एक वचनांत की श्रृंखला में। पहले एक वचन पढ़ेंगे, प्रथमा का एक वचन, द्वितीया का एक वचन, तृतीया विभक्ति का एक वचन, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, पंचमी का एक वचन। तो एक वचनांत परंपरा से हम शब्द रूपों को आपके सामने रख रहे हैं। आज इस तीसरे वीडियो में उकारांत पुल्लिंग गुरु शब्द की चर्चा कर रहे हैं। आइए बोलिए, गुरु हु, गुरुम, गुरुणा, गुरवे, गुरोह, गुरोह, गुरौ, हे गुरो। ये मैं एक वचन की चर्चा कर रहा था, फिर से देखना, गुरु हु, गुरुम, द्वितीया में क्या बनेगा, गुरुम, तृतीया में गुरुणा क्या बनेगा, गुरुणा। मैं नकार और अणकार की चर्चा आपसे कर रहा था, मैं इसकी चर्चा आपसे बात करूंगा। यहाँ पर आप ही मोटी मोटी बात जान लीजिए कि यदि रेफ और शकार के बाद ना आएगा तो उसको अणा हो जाएगा। तो गुरुणा में आप रेफ देख रहे हैं, गुरु में रा सब रा अक्षर है और रा के बाद ना आ रहा है, इसलिए अणा हो गया। मैं इसकी चर्चा फिर से आपसे बता दूं कि बहुत जगहों पर ना होगा। जैसे आप वायु शब्द को पढ़ेंगे, उकारांत है तो इसमें वायुना बनेगा। भानु शब्द को पढ़ेंगे तो इसमें भानुना बनेगा, भानुणा नहीं करना है, क्योंकि भानुना इसलिए बनेगा कि ना तो रेफ है और ना शकार है। रेफ और शकार के बाद यदि नकार आएगा तभी आपको नकार करना है। जब रेफ शकार के बाद नकार आए तो नकार करना है। और अट कुपवांग नुम व्यवाये पी एक सूत्र आएगा कि अट प्रत्याहार का व्यवधान होने पर, कवर्ग और पवर का व्यवधान होने पर भी नकार को नकार होगा। कहीं वीडियो आपको कठिन ना लगने लग जाए, इसलिए मैं आज इसकी चर्चा आपसे नहीं करता हूँ। सिर्फ आप सुनते रहिएगा कि कहीं कहीं पर नकार और कहीं कहीं पर नकार होगा, कहाँ नकार और कहाँ नकार होगा, ये दूसरे, ये एक अलग विषय होगा, मैं इसकी चर्चा आपसे करूँगा। आइए मैं फिर से आपसे कह दूँ, उकारांत के रूपों की चर्चा मैं आपसे कर रहा था। बोलिए, गुरु हो, गुरुम, गुरुणा, गुरवे, गुरोहो, गुरोहो, गुरौ, हे गुरो। आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, आप नीचे जो स्लाइड चल रही है ये हमारे बगल में, आप देखें, इससे देख करके आप पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। गुरु हु, अब इसी तरह गुरु की तरह रूप चल जाएगा, रिपु हु, गुरु हु, रिपु हु, गुरुम, रिपुम, गुरुणा, रिपुणा, गुरवे, हाँ देखना, गुरुवे नहीं है, गुरवे रा है, यहाँ गुरुवे नहीं बोलना है, लोग गलती कर देते हैं। यहाँ चतुर्थी एक वचन में बनाना है गुरवे, क्या बनाना है, गुरवे। गुरोह पंचमी एक वचन, गुरोह षष्ठी एक वचन, और गुरौ बनाना है, गुरौ।
रा है और फिर उसमें औ की मात्रा है। आप देख पा रहे हैं सप्तमी में, देख लीजिए इसको गुरु बना है और फिर हे गुरु, क्या करना है हे गुरु। आइए हम आपको थोड़ा सा अभ्यास करा देते हैं, इसी प्रकार सब रूप चलेगा। बोले गुरु हो गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हे गुरु गुरु हो गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु हे गुरु गुरु हो गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु हे गुरु गुरु हो गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु हे गुरु। अब थोड़ा सा इसको आप अंदाज में पढ़ लीजिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए। गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु 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 हो गुरु हो गुरु गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरुम गुरुणा गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी गुरु हो गुरु हो गुरु गुरु जो मैं लास्ट में गुरु बोल रहा हूँ ये संबोधन है। सात विभक्तियाँ होती हैं और आठवां संबोधन होता है, तो हे गुरु रूप बनता है। मैं गुरु कह रहा हूँ ताकि आपसे गाते बन जाए, रूप को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए। पंचमी में गुरु हो, षष्ठी में गुरु हो, सप्तमी में गुरु और संबोधन में हे गुरु, उसी को हम गुरु बोल रहे हैं। गुरु हो गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरुम गुरुणा गुरु हो गुरु हो गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरुम गुरुणा गुरु गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरुम गुरु गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरुम गुरुणा गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरुम गुरुणा गुरु प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी प्रथम द्वितीय तृतीय गुरु 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 पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु 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 गुरु। हाँ आराम से पढ़िए, आपसे पढ़ते बनेगा बिल्कुल, मैं आपसे वादा करता हूँ यदि आप बहुत बार अभ्यास करेंगे तो इसको कर पाएंगे। गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु 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 गुरु। अब इसी तरह देखिए दूसरा रूप भी बनेंगे तो ऐसे बन जाएगा। शिशु शिशुम शिशुना शिशवे शिशु शिशुम शिशुना शिशवे शिशो हो शिशो हो शिशौ शिशो कितना आसान हो जाएगा यदि एक का अभ्यास हो जाएगा। देखना दूसरा रूप में ले रहा हूँ, रिपु शब्द है उकारांत है। रिपु रिपुम रिपुणा रिपवे रिपु रिपुम रिपुणा रिपवे
रिपो हो रिपो हो रिपो रिपो तरु शब्द है, उकारांत है, पुल्लिंग है, देखना। तरुहु तरुम तरुणा तरवे, तरुहु तरुम तरुणा तरवे, तरुहु तरुम तरुणा तरवे, तरुहु तरुम तरुणा तरवे, तरोहु तरोहु तरौ तरो, भानुहु भानुम भानुना भानवे, भानोहु भानोहु भानौ भानो, साधुहु साधुम साधुना साधवे, साधोहु साधोहु साधौ हे साधो, बाहुहु बाहुम बाहुना बाहवे, बाहोहु बाहोहु बाहौ हे बाहो, वायुहु वायुम वायुना वायवे, वायोहु वायोहु वायौ हे वायो, विष्णुहु विष्णुम विष्णुना विष्णवे, विष्णोहु विष्णोहु विष्णौ हे विष्णु। कोई सा भी रूप जो आप उकारांत पुल्लिंग हो, यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो पूरी तरह से कर पाएंगे। मैं द्विवचनांत की बात कर दूं, आप देखिएगा गुरु शब्द का द्विवचनांत चलेगा, द्विवचन का रूप पूरा सातों विभक्तियों में, गुरु गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम, तृतीया चतुर्थी पंचमी, गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम, गुरुवोह गुरुवोह, षष्ठी सप्तमी, गुरुवोह गुरुवोह। मैं आपको पहले बताया था आकारांत में भी आपने देखा कि आकारांत राम शब्द का जब आप रूप चला रहे थे तो प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन सेम था, तृतीया चतुर्थी पंचमी का भी द्विवचन सेम था, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन सेम था। ऐसे आपने हरि शब्द को पढ़ा तो हरि शब्द का प्रथमा द्वितीया का द्विवचन सेम था, तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन सेम था, सेम का मतलब बराबर था, एक जैसा था, और षष्ठी सप्तमी एक जैसा, हमेशा द्विवचनांत प्रथमा का द्विवचन और द्वितीया का द्विवचन एक जैसा होगा, और जैसा प्रथमा का द्विवचन होगा वैसा ही संबोधन का द्विवचन होगा, ठीक हो रहा है। तो प्रथमा द्वितीया और संबोधन का द्विवचन एक जैसा होगा, तृतीया चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन एक जैसा होगा, और षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक जैसा होगा, समझ में आ गया। अब मैं उकारांत का द्विवचन आपसे बोल देता हूँ, फिर आप आगे का रूप आप बताइएगा। गुरु, यहाँ बड़ा रू है, ध्यान रखना, गुरु में बड़ा रू है, गुरु गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम, तृतीया चतुर्थी पंचमी में, लेकिन यहाँ गुरु के जो रू में ऊ है ना वो ह्रस्व रू है, यहाँ गुरुभ्याम गुरुभ्याम नहीं है, गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम, गुरुवो गुरुवो हे गुरु, प्रथमा में क्या बना क्या है गुरु, तो संबोधन का द्विवचन क्या होगा, हे गुरु, क्या बनेगा गुरु, आप भी बोलो गुरु गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम, गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम, हे गुरु 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 हो जाओ शुरु, गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुभ्याम, गुरुवोह 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 गुरुवोह, हे गुरु हे गुरु, बात समझ में आ गई। अब देखना, साधु 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 साधु, साधुभ्याम 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 साधुभ्याम, साधोः साधोः हे साधु साधोः साधोः हे साधु, रिपु 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 नहीं रिपु, दीर्घ उ है, जैसे आप गुरु पढ़ रहे थे प्रथमा का द्विवचन पढ़ना रिपु, क्या पढ़ना है दीर्घ उ बोलना है, रिपु रिपु, द्वितीया द्विवचन में द्वितीया का द्विवचन रिपु रिपुभ्याम, यहाँ पे रिपुभ्याम नहीं बोलना है, क्या बोलना है रिपुभ्याम, यहाँ स्लाइड में भी देखते चलिए, रिपुभ्याम 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 दिखाई पड़ रहा है, रिपुभ्याम रिपुभ्याम रिपुभ्याम, रिपो हो हे रिपु, यहाँ देखा गुरुवो है ना, तो रिपो हो हे रिपु, क्या करना है समझ में आ रहा है, शिशु शिशु शिशुभ्याम शिशुभ्याम शिशुभ्याम, शिशवो हो शिशवो हो हे शिशु, कर लेंगे ना, सबका ऐसे बन जाएगा। आगे आ जाइए, देख लीजिए, गुरवः गुरुन गुरुभिः गुरुभ्यः गुरुभ्यः गुरुणाम गुरुषु, हे गुरवः, संबोधन जैसा प्रथमा बनाते हैं ना वैसे बनेगा, तो प्रथमा में आपने पढ़ा गुरवः, द्वितीया में गुरुन
तृतीया में गुरुभिः, चतुर्थी में गुरुभ्यः, पंचमी में गुरुभ्यः, षष्ठी में गुरुणाम, सप्तमी में गुरुषु गुरुषु। यहाँ रु छोटा है और शा में जो ऊ है वो भी छोटा है और गा में जो ऊ है वो भी छोटा है। गा में जो ऊ है गु छोटा है, रा में जो ऊ है रु छोटा है, शा में जो ऊ है वो भी छोटा है। तो आप ये क्लियर रखिए, गुरुषु क्या करना है, गुरवः गुरून, गुरुभिः गुरुभ्यः गुरुभ्यः। हमेशा ध्यान रहे चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन समान होगा, चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन समान, चूंकि इनमें भ्यस और भ्यस लग रहा है, और तृतीया में गुरुभिः होगा चूंकि इसमें भिस लग रहा है। चाहे सुवौजस अमौटाभ्यम भिस याद है, ये भी हम भ्यस तो भ्यस लग रहा है वो तो आपको देखो। गुरुभ्यः गुरुभ्यः गुरुणाम षष्ठी के बहुवचन गुरुषु गुरुषु, हे गुरवः गुरवः, गुरून गुरुभिः गुरुभ्यः गुरुभ्यः, गुरुणाम गुरुषु हे गुरवः साधवः साधून साधुभिः साधुभ्यः साधुभ्यः साधूनां साधुषु हे साधवः रिपवः रिपवः। प्रथमा का बहुवचन रिपवः रिपून रिपुभिः रिपुभ्यः रिपुभ्यः रिपूणां गुरूणां साधूनां भानूनां शिशूनां। एक जैसा चलेगा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप एक रूप पढ़ लेंगे सब बन जाएगा। देखो गुरवः शिशवः रिपवः साधवः भानवः रिपून शिशून गुरून तरून साधून राहून बाहून तरून, सब एक जैसा बनेगा। अब इधर पढ़ लेना गुरुभिः रिपुभिः साधुभिः भानुभिः राहुभिः शिशुभिः तरुभिः साधुभिः। और कोई उकारांत बताओ, मैं बता दूंगा तृतीया में क्या बनेगा। एक आप जान ले, जब गुरु भी बनेगा तो उसी तरह सब बन जाएगा, कोई कठिनाई तो नहीं हो रही। गुरुभ्यः अभी बोलना है, साधुभ्यः भानु का भानुभ्यः बाहु का बाहुभ्यः वायु का वायुभ्यः शिशु का शिशुभ्यः तरु का तरुभ्यः रिपु का रिपुभ्यः। बहुत सही है गुरु, समझ में आ गया। गुरु का रूप पढ़ रहे हैं इसीलिए सबको आपको आसानी से हो जाए। रिपुभ्यः रिपुभ्यः चतुर्थी और पंचमी में एक बनेगा। अब देखना रिपूणाम गुरुणाम साधूनाम तरुणाम भानुनाम, सबको एक जैसा चलेगा ना, कोई दिक्कत। अब उसी तरह सप्तमी का एक रूप आप अच्छे से पकड़ लेना, गुरुषु साधुषु भानुषु शिशुषु। समय आ गया, आए रटने की जरूरत ही नहीं है, एक रूप आप देख लीजिए कैसे बनेगा उसी तरह कर लेंगे। बाहु का बाहुषु, साधु का साधुषु, वायु का वायुषु, रिपु का रिपुषु, शिशु का शिशुषु, तरु का विष्णु का विष्णुषु। बन जाएगा पूरा, कोई दिक्कत। गुरवः गुरून गुरुभिः गुरुभ्यः गुरवः गुरून गुरुभ्यः गुरुणां गुरुषु गुरवः गुरुभ्यः गुरुणां गुरुषु गुरवः गुरून गुरुभिः गुरुभ्यः गुरवः गुरून गुरुभिः गुरुभ्यः। हाँ, ये हम प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी बोले। अब चूंकि चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन समान होता है, फिर हम गुरुभ्यः से ही शुरू करते हैं ना। गुरुवः गुरवः गुरुवः नहीं बोलना है, गुरुवः तो नहीं बोले, रू तो नहीं बोले, गुरवः गुरवः। ये गुरवः बोल रहे हैं प्रथमा के बहुवचन में गुरवः। कुछ लोग हमें लगता है गुरुवः बोल दे रहे हैं, नहीं ना, नहीं, नहीं। हाँ गुरुवः नहीं बोलना है, गुरवः गुरून गुरुभिः गुरुभ्यः गुरुभ्यः गुरुणां गुरुषु हे गुरवः प्रथमा। आप बोलते जाइए, प्रथमा में बोलूंगा आप गुरुवः बोलना, बोलो प्रथमा द्वितीया गुरून, जोर जोर बोलिए, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। वाह क्या बात है, कर लेंगे ना,
साधु हो साधुम साधुना साधवे साधो हो साधो हो साधो हे साधो। समझ में आ गया? गुरु हो गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु 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 हो गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु 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 हो गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु गुरु 101 बार आपको पढ़ना है। कितनी बार? 101 बार। 101 बार किसी रूप को पढ़िए, आजीवन वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, सारा रूप जिंदगी भर याद रहेगा, मरते दम तक खाइए खाट में पड़े रहेंगे, मरणासन स्थिति में भी आप याद करेंगे, गुरु हो गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु हो गुरु हो गुरु गुरु हरि हरिम हरिणा हरये हरे हरे हरौ हरे रामः रामं रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। अब सोचे मरते समय राम का नाम याद आ जाए तो हम लोगों का दोनों लोक तर जाएगा, दोनों लोक बन जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आज उकारांत की चर्चा में आपसे कर रहा था, सब कुछ सिखा भी दिया, एक बार एक धुन में हम लोग कीर्तन कर लेते हैं। शिशुम शिशु ना शिशवे शिशो हो शिशो हो शिशौ शिशु रिपु हो रिपुं रिपुणा रिपवे रिपो हो रिपो हो रिपौ आनु भानु भानुना भानवे भानु भानो भानौ हे भानो साधु साधुं साधुना साधवे साधो साधो साधौ हे साधो गुरु हो गुरुं गुरुणा गुरवे गुरो हो गुरो हो तरु हो तरुं तरुणा तरवे तरुवे नहीं तरवे तरु हो तरुं तरुणा तरवे तरो हो तरो हो तरउ तरो तरउ तरो तरउ सप्तमी में दो पाई लगी हैं और संबोधन में एक पाई और एक डंडा, ये ध्यान रखना है। गुरौ गुरौ में दो पाई है और एक डंडा, सप्तमी का एक वचन है, और गुरु जो संबोधन है उसमें एक पाई और एक डंडा। समझ में आ रहा है? गुरौ गुरो गुरौ सप्तमी एक वचन गुरो गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरो हो गुरो हो गुरौ गुरो गुरौ गुरो तरु तरु गुरौ गुरो तरु हो तरुं तरुणा तरवे तरो हो तरो हो तरौ तरो तरौ तरो समझ में आ रहा है? तरौ तरो तो मेरे ख्याल से आप सबको आज का ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे देखिए मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूँ कि देखिए हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये लगे कि
पूरा रूप का सिस्टम बदल रहे हैं या ऐसे कैसे होता है, गुरु का तो गुरु गुरु गुरुवा ही चलता है। देखो मैंने रूप नहीं बदला, मैंने ये कहा कि कोई पढ़ना आसान होता है, किसी चीज़ को पढ़ने से कोई आसान तरीका होता है जिसे पढ़ने में थोड़ा आनंद आ जाए, थोड़ा मौज में आ जाए, कोई मस्ती में हम किसी चीज़ को पढ़ लें तो आसान है। मैं ये नहीं कहता कि आप गुरु गुरु गुरुवा गुरुम गुरु गुरु मत पढ़िए, मैं भी बचपन से ही पढ़ रहा हूँ, पर वो चीज़ें ना कोई चीज़ बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, याद आनी चाहिए। तो जैसे हम जिस मस्ती में भानु भानुम भानुना भानवे, अब देखिए इसमें बड़ी खास बात होती है ना कि हम भानुना गुरुणा साधुना राहुना बाहुना वायुना एक जैसा एक सीक्वेंस मिल जाता है और हमारे लिए सब चीज़ों को रटना नहीं पड़ता। संस्कृत शास्त्र की यही तो बड़ी खास खूबी है कि एक शब्द को यदि आप पढ़ लेते हैं ना तो हजार हजार शब्द याद हो जाते हैं। मित्रों मैं आपसे कहता हूँ हजारों और लाखों शब्द जितने भी गुरु की तरह उकारांत होंगे पुल्लिंग होंगे आज आप उनको कंप्लीट कर लिए हैं। गुरु पूछेगा तो आप लिख ही लेंगे, पर गुरु नहीं पूछता है, शिशु पूछता है, रिपु पूछता है, तरु पूछता है, वायु पूछता है, भानु पूछता है, साधु पूछता है, जितने भी उकारांत होंगे ध्यान रखना पुल्लिंग होना चाहिए, स्त्रीलिंग नहीं। वधु शब्द का रूप ऐसे नहीं चलेगा, वस्तु शब्द का रूप ऐसे नहीं चलेगा, वस्तु शब्द नपुंसकलिंग है और मधु शब्द भी नपुंसकलिंग है। आप देखो वधु शब्द स्त्रीलिंग है, उकारांत है, मैं सिर्फ उकारांत पुल्लिंग की बात कर रहा हूं, भूलना मत, उकारांत होना चाहिए पुल्लिंग होना चाहिए। इसलिए गुरु शब्द को आज आपने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको यदि पसंद आया हो तो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा और कैसा हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि यह बात आप तक रुकनी नहीं चाहिए, और यदि आपको पसंद आया हो तो पूरे संस्कृत जगत में और जो लोग यूपी टेट की परीक्षा में संस्कृत को लिए हैं और जिनको भी शब्द रूप कठिन लग रहा हो उन तक आपको वीडियो पहुंचाना यही आपकी गुरुदक्षिणा है, यही आपकी फीस है और यही आपको संस्कृत पढ़ने की, यदि आपने संस्कृत पढ़ा है आप चाहते हैं कि मैं संस्कृत का प्रचार करूं प्रसार करूं संस्कृत जन जन में चली जाए तो आपको जन जन के अनुसार संस्कृत को बनाना होगा। और मैं आपसे यही कहूंगा कि जो लोग भी संस्कृत को लेकर के यूपी टेट पढ़ रहे हैं मैं भी अपने स्टूडियो से भी और अपनी क्लासरूम से भी जितनी वीडियो संस्कृत की हो पाएंगी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और आपको पूरे शब्द रूप और पूरे धातु रूप चाहे वो परस्मैपदी के हों चाहे आत्मनेपदी के हों और शब्द रूपों में चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसकलिंग हो चाहे अजंत हो चाहे हलंत हो सबकी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं। प्रतिदिन आपको वीडियो मिल रहा होगा, हो सकता है हमारी टीम थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, बहुत सारी वीडियो को काम करना पड़ता, हो सकता है आपको वीडियो थोड़ा देर में मिल पाती हूं लेकिन मिलेंगी जरूर, परीक्षा के पहले मिलेंगी और परीक्षा के पहले आपका पाठ्यक्रम पूरा होगा। इस दावे के साथ मैं आपसे कहता हूं कि एक वचन मेरा भी और संस्कृत के इस प्रचार प्रसार में संस्कृत के इस महायज्ञ में एक आहुति आपकी भी होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति तक इस वीडियो को वायरल करना आपकी जिम्मेवारी है। हर व्यक्ति के पास आप इसको शेयर करें, यदि अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और नहीं तो ये वाला जरूर करें ताकि हम जान पाएं कि अब वीडियो आपको पसंद है कि नहीं पसंद है। यदि आप लिखेंगे कमेंट्स लिखेंगे हमारी टीम आपके कमेंट्स को पढ़ती है और कुछ कमेंट्स जो अच्छे अच्छे होते हैं वो हम तक आते हैं और हमें बताया जाता है और उससे हमको उत्साह मिलता है, उससे हमारा प्रोत्साहन होता है, उससे मुझे अगले वीडियो को बनाने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, नमस्ते संस्कृताय, मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्ते संस्कृताय।